भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधा है। बता दें कि विजयवर्गीय ने मीडिया के सामने कहा कि एक लड़का बुआ की गोद में जाकर बैठ गया है और दूसरा लड़का बहन को लेकर आया है। विश्वास नहीं है कांग्रेस के नेताओं को, उन्हें लगा कि एक और नेता की आवश्यकता है, तो प्रियंका जी पे आ गई। इस बार पहले राहुल जी अकेले ने अजमाया था मोदी जी को, प्रियंका जी पे आके अब अजमाया। अब इस बार दोनों लड़के एक बुआ की गोद में जाकर बैठा, एक बहन को लेकर आ गया, फिर से प्रयोग करेंगे। देखिए, वर्तमान में जो मैंडेट मिला है वह पॉपुलर मैंडेट बीजेपी के पास, भारतीय जनता पार्टी को वोट अभी भी ज़्यादा मिले। सीट के समीकरण में हम 3-4 सीट पीछे हो गए, पर हमने हमेशा सिद्धांतवादी राजनीति की। आपने देखा इस देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठे अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा में अपने भाषण में कहा था कि बाजार में माल बिकने के लिए तैयार था, पर हम नैतिकता वाली राजनीति करते हैं, इसलिए सत्ता छोड़ रहे हैं। दरअसल भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय बालाघाट के बरसिवनी में आयोजित भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां प्रेस वार्ता के दौरान महासचिव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन दल पर निशाना साधा है।